नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार है और ओनली टेक लाइफ सेट के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रेन की जानकारी देने वाली बहुत ही बढ़िया ऐप के बारे में बताया था, जिसका नाम था वेयर इज माई ट्रेन। तो इस ऐप में तीन ऑप्शन था, पहला स्पोर्ट का, दूसरा पीएनआर का और तीसरा सीट का। तो मैंने इन तीनों ऑप्शन के बारे में उस वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया था। तो अगर आप वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको उसी ऐप का 4-5 खास फीचर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आप ट्रेन पर सफ़र करते वक्त ही यूज कर सकते हैं। और ये फीचर आपको बहुत मदद करेगी, हेल्प करेगी और आपको ये फीचर्स बहुत अच्छी भी लगेगी। तो ये वीडियो मैंने ट्रेन में सफ़र करते वक्त ही लाइव वीडियो बनाकर आपको दिखाया है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए, आपको लाइव वीडियो दिखाने से पहले आपको इस 4-5 खास फीचर के बारे में बता देते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसके लिए चलिए हम वेयर इज माई ट्रेन ऐप को ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद आप जिस ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं उस ट्रेन को ट्रेन के नंबर से या ट्रेन के नेम से उसको सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद उस पर आपको क्लिक करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो मान लीजिए कि हम इस ट्रेन पर अभी बैठे हुए हैं, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद वो ट्रेन जहाँ रहेगी उसका लोकेशन आपको दिखा दिया जाएगा। और अब आपको इसके खास फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो खास फीचर्स क्या है, इंटरनेट अगर आपके मोबाइल में ऑन है तब तो ये लोकेशन दिखाता ही है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट बंद भी रहेगा फिर भी आपको एक्यूरेट लोकेशन आपको बताएगा। तो वो कैसे, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट का एक ऑप्शन है, तो इंटरनेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इंटरनेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा, सेल टावर यूज इनसाइड ट्रेन ओनली। इसका मतलब कि ये सेल टावर से आपके नेटवर्क से काम करता है, और अगर आप उस ट्रेन में बैठे हुए हैं तभी ये काम करेगा। तो अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका इंटरनेट बंद भी रहेगा फिर भी आपको यह इस ट्रेन के हर एक लोकेशन आपको देती रहेगी। इसी तरह इंटरनेट के नीचे एक ऑप्शन है जीपीएस यूज इनसाइड ट्रेन ओनली। तो अगर आप ये भी जीपीएस को ऑन कर देते हैं, जीपीएस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको जीपीएस के थ्रू इसका हर एक लोकेशन आपको बताते रहेगा, आपके मोबाइल में इंटरनेट बंद भी रहेगा फिर भी। तो ये दो खास फीचर्स हो गया। तीसरा खास फीचर्स ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस पे आपको ट्रेन की सारी बोगी के बारे में जानकारी देगी कि S1 S2 S3 जो ट्रेन का बोगी है वो बोगी से कितना पीछे है या आगे है। तो अगर आपका रिजर्वेशन जिस तरीके से हुआ होगा तो आप यहाँ से देख कर पता कर सकते हैं कि आपकी बोगी आगे रहेगी या पीछे। तो ये एक फ़ायदा हो गया। अगला चौथा खास फीचर्स है अलार्म का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अलार्म का ऑप्शन है, तो जैसे ही आप अलार्म पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ये 10 मिनट बिफोर यानी 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, ऐसे करके ये 60 मिनट पहले। तो मान लीजिए आपको कोई स्टेशन पे रुकना है और आप अगर सोच रहे हैं कि हमको 30 मिनट पहले इन्फॉर्म कर दे, तो आप यहाँ से अलार्म स्टेशन चूज करके फिर सेट अलार्म पे क्लिक करके आप पटना जंक्शन पहुँचने से पहले 30 मिनट पहले आपको ये अलार्म बज जाएगा और आपको बता देगा कि पटना पहुंचने में अब 30 मिनट बाकी है, तो आप फिर रेडी हो सकते हैं। तो है ना ये खास फीचर्स। तो चलिए अब हम आपको लाइव वीडियो दिखाते हैं कि अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ये ऑप्शन कैसे काम करता है। तो आगे के वीडियो में आप लाइव वीडियो देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरनेट ऑफ है। तो चलिए अब हम वेयर इज माई ट्रेन ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद हम गया से पटना जा रहे हैं, तो गया से पटना ट्रेन करके फाइंड ट्रेन पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे जाते हैं तो 63256 गया पटना जो पैसेंजर गाड़ी है उससे हम सफ़र कर रहे हैं, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। और ये अभी इंटरनेट बंद है तो ये ऑप्शन अभी दे रहा है। इसके बाद हम इंटरनेट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेल टावर और एक GPS यूज। तो हम सेल टावर पर क्लिक करेंगे। तो सेल टावर पर क्लिक करते ही ये जो लोकेशन है इस ट्रेन का बता देता है, ठीक है। और यहाँ आप नीचे एरो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे को ये नेक्स्ट अटोबिस कहाँ है, कितनी देर है, कितनी लेट से चल रही है, पटना पहुँचने में कितनी देर है, कितना किलोमीटर बाकी है, ये सब आपको बताया जाता है।
और यहाँ पे एक और ऑप्शन है शेयर का, तो यहाँ पे आप शेयर पे टच करके आप अगर ये लोकेशन अपने पेरेंट्स फ्रेंड के पास भेजना चाहते हैं तो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर चलिए आपको दूसरा ऑप्शन जीपीएस वाला बताते हैं, तो आप जीपीएस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको ये लोकेशन वाला ऑप्शन ओके करने के लिए बोलेगा, तो आप ओके कर दीजिए। इसके बाद जैसे आप ओके कीजिएगा इसके पास आप देख सकते हैं एक ऊपर में बीच में एक्यूरिंग जीपीएस का ऑप्शन आ रहा है, जो बहुत ख़ास है दोस्तों। ये क्या है कि आपको ट्रेन की स्पीड को बताता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा पैसेंजर ट्रेन से जो हम सफ़र कर रहे हैं इसकी स्पीड अभी 45-46 की है, तो जितनी स्पीड रहेगी ये एक्यूरेट जीपीएस के अनुसार ये बता देती है। फिर अगला ऑप्शन अलार्म का है, तो चलिए अलार्म के बारे में हम बताते हैं। तो आप जिस स्टेशन पर आपको अलार्म लगाना है वो चूज कर लीजिए, और कितनी देर पहले कितनी बाद में वो सब चूज करके सेट अलार्म पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद फिर से आपको सेट अलार्म पे क्लिक कर देना है, और जब वहाँ वो पहुँच जाएगा या 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले तो ये अलार्म है जो बजने लगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।